हेलो फ्रेंड्स, अपने चैनल में आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और ये प्रसाद बनाने के लिए मैं बता रही हूँ। और सबसे पहले मैं चना को रात में भिगो दी थी, ओवरनाइट भिगो दीजिए, नहीं तो आप 5 से 6 घंटे के लिए इसे भीगने के लिए छोड़ दीजिए। अब इसे कुकर में बॉयल होने के लिए डाल देती हूँ। और इसमें बस चना डूबने भर पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं पानी यूज करेंगे। अब इसमें 1 चम्मच नमक डाल देती हूँ। ये व्रत के लिए बना रहे हैं तो सेंधा नमक डालिए, मैं सेंधा नमक डाली हूँ। अब इसमें ढक्कन को बंद कर दीजिए और इसे को गैस पे चढ़ा दी हूँ, मीडियम फ्लेम पे चढ़ाई हूँ। सीटी लग रहा है और इसे 4 से 5 सीटी लगा देना है। तब तक इधर मैं हलवा बनाने के लिए तैयारी कर लेती हूँ। सूजी, और जितना अगर आप सूजी लेते हैं उतना ही आप चीनी लीजिए, और घी अपने अनुसार ले सकते हैं। पहले मैं चाशनी बनाती हूँ, उसमें 1 कटोरी चीनी डाली और 3 कटोरी पानी डाली। और इसे एक अच्छा उबाल आने के लिए मैं गैस पे चढ़ा देती हूँ। अच्छा उबाल आ जाए तब गैस को मैं बंद कर देती हूँ। तब तक इधर उबाल आ रहा है, तब तक मैं गैस पे कढ़ाई रखी हूँ, तब तक इसमें मैं सूजी को भूंज लेती हूँ। एक साथ दोनों काम हो जाता है और हलवा जल्दी बन जाता है। और इसमें मैं सूजी को भून रही हूँ। अगर आप ज़्यादा घी खाते हैं तो और ज़्यादा डाल सकते हैं, पर मैं मीडियम रखी हूँ। अगर जितना सूजी है उससे आधा आप लेंगे घी तो बिल्कुल परफेक्ट होगा। और ये देखिए चाशनी बनकर रेडी हो गया है। और इसे ढक कर मैं रख देती हूँ ताकि ठंडा ना हो जाए। इसे ढक देती हूँ और गैस को ऑफ कर देती हूँ। और इधर बाकी का काम है जो मैं इसे भून रही हूँ। धीरे धीरे इसे भी भून दूंगी, इसका कलर चेंज हो जाएगा, हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब इस तक इसे भूनना है। और ये देखिए घी सारा सूजी को सोख लिया है। अगर आप ज़्यादा डाल सकते हैं घी। भूंज गया है हमारा, ये देखिए इस तरह से कलर आ गया है। और इसमें पानी जब पानी जो चाशनी बना कर रखी हूँ वही पानी डालेंगे इसमें। और ये अगर आप चाहे तो गैस बंद करके भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो गर्म पानी होता है और कढ़ाई भी गर्म होता है, इससे कुछ ज़्यादा ही उछलता है, इसलिए गैस को बंद कर दें या कम कर दें। ये देखिए इस तरह से उछलता है, धीरे धीरे करके पानी डालें, एक साथ ना डालें। धीरे धीरे करके मैं पानी डाल रही हूँ और जितना पानी मैंने उबाला था वो सारा पानी मैं डाल दी हूँ। और धीरे धीरे ये सोख लेगा। और इसे बनाना बिल्कुल आसान है, 5 से 10 मिनट के बीच में ही ये बनकर रेडी हो जाता है। और इसे ढक कर 2 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ और बीच में चलाऊँगी इसे। 2 मिनट हो चुका है और 2 मिनट के बाद इतना अभी गीला है। अगर आप गीला खाना पसंद करते हैं तो गीला ही रहने दीजिएगा अपने अनुसार। और इसमें मैं थोड़ा और सुखाऊंगी पानी इसे 2 मिनट के लिए और इसे ढक देती हूँ। मुझे खिला खिला हलवा पसंद है। अगर आप चाहे तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डाल रही हूँ इसमें। ये देखिए इस तरह से हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल खिला खिला हलवा दिख रहा है। इस तरह से बनाएंगे हलवा तो बिल्कुल जल्दी बन जाता है और बहुत इसका टेस्ट भी अलग होता है। ये देखिए लाइट की वजह से थोड़ा नहीं दिख रहा है तो मैं ये देखिए कितना परफेक्ट है। अगर आप चाहे तो इसे प्लेट वगैरह में निकाल कर बर्फी शेप का काट करके भी बना सकते हैं, पर मैं इसी तरह ही रखूंगी, खिला खिला ही। बनकर रेडी हो गया है। अब इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। तब तक के लिए चने के लिए मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है और आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर ली हूँ। और अपने स्वाद अनुसार नमक डालिए, सेंधा नमक, व्रत वाली।
और थोड़ा सा गरम मसाला, एक आधा चम्मच से ऊपर है गरम मसाला, और इसमें हल्का सा पानी डालकर मैं मिक्स कर देती हूँ। इसे मिक्स कर लेती हूँ पहले ही, और गैस पे कढ़ाई रखती हूँ गर्म होने के लिए, और उसमें तेल डालकर मैं पहले मसाले को भूनूंगी। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बिल्कुल भी इतना डालना है कि मसाला लिक्विड में हो जाए, बिल्कुल पतला भी नहीं होना चाहिए। और चने को मैं देख लेती हूँ किस तरह से चना हुआ है। 5-6 सीटी लगाई हूँ इसमें और बंद कर दी हूँ। ये देखिए बिल्कुल हमारा चना फटा हुआ है, फट गया है, बिल्कुल अच्छे से पक गया है, नरम चना हो गया है, सॉफ्ट। और इस तरह का चना बनाना और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। गैस पे कढ़ाई गरम की हूँ और इसमें मैं जीरा डालती हूँ और 1 तेज़पत्ता डालती हूँ। आप चाहे तो मिर्चा, लाल मिर्च का भी डाल सकते हैं, पर मैं एक हरा मिर्चा ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं यूज करूँगी, क्योंकि मीठा हलवा के साथ चना थोड़ा तीखा हो तो बहुत अच्छा लगता है। आ रहे हैं तो अगर बच्चे आपके नहीं खाते हैं तो नहीं डालिए। इसे मसाले को मैं भूंज लेती हूँ, और जो चना मैंने भी पानी डाला था वही पानी मैं यूज कर रही हूँ मसाले में। और धीरे धीरे इसे कम गैस में इसे भूंज लीजिए, और सारा पानी सूख जाएगा और तेल छोड़ देगा मसाला। ये देखिए भून चुका है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये भूंज गया है, और अब थोड़ा सा और पानी डाल देती हूँ मैं इसमें। बन गया है ये मसाला तैयार है। अब इसमें चना डालेंगे, थोड़ा सा और मसाला भुन जाएगा तो इसमें चना डाल देते हैं। और इस तरह से बनाने से बहुत जल्दी प्रसाद बनकर तैयार हो जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब इसमें बॉयल किया हुआ चना मैं सारा डाल दी हूँ, और इसे 4 मिनट के लिए और पकाऊंगी ताकि इसमें मसाला अच्छे से घोल मिल जाए। इसे ढककर पका लीजिए, और थोड़ा सा और पानी डाल दीजिए इसमें। इसे ढककर पका ली हूँ, और ये देखिए पानी अभी हल्का हल्का है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि हमारा मसाला भी अच्छा पका हुआ है और चना भी, इसलिए मुझे मीडियम रखना है। और पानी को बिल्कुल सुखाना नहीं है, नहीं तो आपका चना थोड़ा टाइट हो जाएगा। ये देखिए अच्छे से कोट हो रहा है मसाला, सारे चने भी अच्छे से कोट हो गया है, इसलिए 2 मिनट के लिए और ढककर पका लेती हूँ। ये देखिए बिल्कुल हो गया है, परफेक्ट है। और आप चाहे तो इसमें मेथी, कस्तूरी मेथी आता है वो भी डाल सकते हैं, और धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। और बनकर ये बिल्कुल रेडी हो गया है, और मैं इस तरह से बनाती हूँ फ्रेंड्स। आप लोग ज़रूर बताना कैसा बना है, और आप लोग कैसे बनाते हैं। मैं इस तरह से माता रानी का प्रसाद का भोग बनाती हूँ, और इसे भोग लगाकर खिलाती हूँ सबको। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।